बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ 6 ऐसी यूनिक इफ्तार रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ जो आप थर्ड अशरे में बनाकर ट्राई कर सकते हैं। ये सारी ही रेसिपीज़ बहुत यमी बनकर तैयार होती हैं। सबसे पहले जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है जी KFC स्टाइल चिकन विंग्स। क्या करना है, सबसे पहले हमने एक बोल के अंदर पानी डाल दिया है और उसके अंदर हमने फिर 1/2 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने के बाद अब हम जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो है जी विनेगर का ऐड करना। सफ़ेद सिरका आपने इसमें 2 टेबलस्पून ऐड कर देना है, ठीक है जी। और इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये स्टेप जो है ना, ये हर तरह का जो आप रोस्ट बनाएं, चाहे चिकन की कोई कढ़ाई बनाएं, उसमें हर जो चिकन की रेसिपी है उसमें आप इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि ये क्लीनिंग स्टेप है, ठीक है जी। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब जो हमारे पास 1/2 किलो चिकन विंग्स थे वो हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। आप नोट करते होंगे कि जब आप लोग फ्राई करते हैं, कोई भी रोस्ट हो या विंग्स हो, तो आपके जो विंग्स हैं ना, उस टाइम पे उनमें से या ब्लड निकलना शुरू हो जाता है या मतलब उनके अंदर कहीं ना कहीं ब्लड रह जाता है और उनमें से स्मेल भी आ रही होती है। हालांकि हमने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला हुआ होता है, लेकिन जब आप इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे ना, जो मैं आपके साथ अभी स्टार्ट में शेयर कर रही हूँ, इससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि आपको ये बिल्कुल आपके जो है वो क्लीन हो जाएंगे विंग्स जो हैं। ये देखिए 10 से 15 मिनट आपने इनको कवर करके रख देना है और 10 से 15 मिनट के बाद आप देखिएगा ये इस तरह से जो हमारा चिकन विंग्स हैं वो बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। इनमें बिल्कुल भी ब्लड नहीं रहेगा और स्मेल भी इनकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है इस टाइम तक। तो आपने ये स्टेप ज़रूर फॉलो करना है। अब हम चलते हैं मेन मैरिनेशन की तरफ। मैरिनेशन के लिए सेम मैंने एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे 2 अंडे। अच्छा, ये मैरिनेशन ऐसी है कि आप घर पर क्विकली मैरिनेट कर सकते हैं। कोई आपको जो है इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मसाले नहीं चाहिए होंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए होगी जो आपके घर पर अवेलेबल ना हो, और लाइट सी मैरिनेशन होगी, कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसी मैरिनेशन नहीं है ये। बस अंडे को अच्छे से अब आपने इस तरह से फेंट लेना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, सारा इक्वली जो है वो फेंट जाए। ये अच्छे से हमने इसको अंडे को फेंट लिया। अब हमने जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है ये दिखाएंगे हम आपको। कुछ मसाले जिसमें लहसुन का पेस्ट है 1 टेबलस्पून, 1/2 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून रोस्टेड ज़ीरा, बस ये ऐड करना है। यहाँ पर हमने अदरक नहीं ऐड करना, अदरक की जगह भी हमने जो है लहसुन को ही ऐड करना है। अदरक से जो फ्लेवर है ना, क्योंकि अदरक का जो फ्लेवर है वो थोड़ा खड़ा खड़ा फ्लेवर होता है, ज़रा तेज़ फ्लेवर होता है, तो इसीलिए इसमें हमने अदरक नहीं डाला, सिर्फ लहसुन ऐड किया है बस। अब इसको अच्छे से जो है हमने मिक्स कर लेना है, सारे मसाले को अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। जितनी चीज़ें जो क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ ना, आपने उसी तरह ऐड करना है, तो आपके एग्जैक्ट जो है चिकन विंग्स बनाएंगे। अब यहाँ पर मेरे पास ये चिली सॉस है, आप चाहें तो डाल दें, अगर नहीं आपके पास अवेलेबल तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर चिली सॉस ऐड कर दिया। चिली सॉस ना हो, हॉट सॉस अगर पड़ा हो तो हॉट सॉस भी डाल सकते हैं इसकी जगह। अब हमारे पास ये है जी सोया सॉस। सोया सॉस अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे और सोया सॉस हमने यहाँ पर सिर्फ 1/2 टेबलस्पून ऐड करना है, सोया सॉस ज़्यादा ऐड नहीं करना। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं सारे ये मसाले की, इस तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरह से आपने अच्छे से, ताकि मसाला भी बहुत अच्छे से अंडों के अंदर मिक्स हो जाए, ठीक है जी। मिक्सिंग हो चुकी है, आप इसका बैटर देख लें, इस तरह की कुछ बैटर की लुक आती है। अब यहाँ पर मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम बस इसके अंदर ऐड करेंगे जी विंग्स, जो हमने वॉश किए थे ना, उनको हमने ऐड करना है इसके अंदर। ये सारे विंग्स अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिस तरह से, देखिए इस तरह से स्पून की हेल्प से या आप हाथों से कर लें, ग्लव्स लगा कर ना, फिर आप मिक्स कर लें। ये इस तरह से हल्का सा मिक्स कर दें। बाद में ना ये जो बैटर है आपके ये काम बड़ा आ जाता है। आप इस बैटर के अंदर वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करके और थोड़े से चिकन के श्रेडेड पीसेस ऐड करके एक मज़ेदार सा ऑमलेट भी बना सकते हैं, क्योंकि है तो बेसिकली इसके अंदर एग ना। बस अब ये अच्छे से ये बैटर जो है इसके अंदर डिप करके रख देने हैं चिकन विंग्स हाफ़ एन आवर के लिए। और फिर उसके बाद आधा घंटे के बाद देखिए यहाँ मैंने मैदा लिया है। मैदे को अच्छे से मैंने छान लिया था और खुले बर्तन में आपने मैदा लेना है ताकि आपके जो विंग्स हैं वो बहुत अच्छे से क्रंची से बन कर तैयार हों। अब यहाँ पर जो हमने जो विंग्स लिए थे ना, जो हमने मैरिनेट करके रख दिए थे आधा घंटे के लिए, वो अब हमने ले लेने हैं और उनको इस तरह से जैसे मैं तरतीब से रख रही हूँ ना, इस तरह से आपने रखना है। जितना आप बड़ा खुला बर्तन लेंगे ना, आपके जो वो क्रंची से क्रम्स है ना, वो बहुत अच्छे से मज़ेदार से बनेंगे खड़े खड़े से। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं ना कि हमारे जो विंग्स के ऊपर जो बाज़ारी जो विंग्स मिलते हैं उनके ऊपर जो ऊपर से लेयर होती है वो एक डिफरेंट होती है, घर पर उस तरह नहीं बनती। तो देखिएगा एग्जैक्टली वैसी ही बनेगी आपकी। यहाँ देखिए ये मैंने मैदे के अंदर जितने भी जो विंग्स हैं वो डाल दिए। अब मैं दूसरे हाथ मतलब लेफ़्ट हैंड से मैंने विंग्स डाले थे और राइट हैंड से मैं जो है इसको अच्छे से मैदे के अंदर मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से ज़रा आपने 2 मिनट तकरीबन जो है आपने ज़रूर जो है इन विंग्स को इस तरह से मैदे के अंदर मिक्सिंग इनकी करते रहना है ताकि मैदा अच्छे से जो इसका मॉइस्चर है ना वो सक कर ले। अब देखिए ये 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब हम जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले ये स्टेनर सा ले लेना है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है ताकि एक्सेस जितना भी मैदा है वो निकल जाए और ये जो विंग्स है ना वो अच्छे से जो जितना सूख चुके हैं, जो अच्छे से जिनमें से मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है वो अब हमने इसके अंदर डाल देने हैं। अब एक बैच में 5 विंग्स आए हैं मेरे पास। ठीक है जी, 5 से 6 विंग्स मैंने इस यूज़ किए हैं। आप चाहें तो विंग्स के अलावा बाकी जो चिकन के पीसेस होते हैं जैसे लेग पीस है या चेस्ट पीस है उसके भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप विंग्स पार्ट ही बनाएं, लेकिन विंग पार्ट का ये है कि उसमें बोन्स होती हैं तो वो ज़्यादा जायके वाले बनते हैं। अब हमने क्या करना है, ये आहिस्ता से जो है ये हमने सादा पानी लिया, ना गर्म ना ठंडा, नॉर्मल जो हमारे टुंटियों में या टैप्स में पानी आता है ना वो यूज़ किया मैंने। और इसके अंदर अब हमने डाल के 1 मिनट के लिए रख देने हैं। ठीक है, 1 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे और 1 मिनट के बाद फिर अगेन हमने जो हमारे पास मैदा था ना उसके अंदर हमने इसको डाल देना है, इन विंग्स को जो हमने अभी पानी में डिप करके रखे थे। इस तरह से जैसे मैं रख रही हूँ सारे विंग्स को हमने मैदे के अंदर डाल देना है। इससे आपके जो विंग्स के जो क्रम्स हैं ना वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। देखिएगा जब आपने एंड पर आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे तो देखिए कितने मज़े के और क्रिस्पी से बनते हैं। अच्छा, मज़ीद अगर आप फ्लेवर चाहते हैं ना तो आप यूँ कीजिएगा के मैदे के अंदर धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें छोटे छोटे पीसेस में कट करके ना बिल्कुल फाइन चॉप सा करके फिर वो भी ऐड कर सकते हैं मैदे के अंदर। उससे ये होगा कि जो आपके क्रम्स के अंदर जो खुशबू है ना वो बहुत अच्छी आ जाती है। गो के बाज़ार में इस तरह नहीं किया जाता, लेकिन आप अपने घर पर इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह जो है फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। क्योंकि मैंने रेस्टोरेंट स्टाइल में आपको सिखाना था तो इसीलिए मैंने इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ऐड की। देखिए विंग्स मैंने डाल दिए थे, बस अब स्पून की हेल्प से इनके ऊपर में जो है पहले मैं मैदा डालूंगी ताकि जो इनमें जो मॉइस्चर है वो थोड़ा सा कम हो जाए। ड्राई जो हमारे पास बैटर है, ये जो मिक्सचर है मैदे का, ये इसमें डाल दें हम इस तरह से करके, जैसे ये देखिए मैं कर रही हूँ। फिर एक दफ़ा पहले स्पून से करना है और फिर देन एंड पर हमने जो है ना हाथों से जो है सख्त सख्त हाथ से इसको मैदे के अंदर बार बार मिक्स करना है ताकि जो क्रम्स हैं वो बन जाए। बस अब इसको 1 मिनट के लिए मैंने इस तरह मैदे में रखा और फिर देन इसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म किया। अब देखिए ये इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ ना हाथ से, इस तरह आपने करना है। इससे ये होगा कि बहुत जो है अच्छे से मैदा जो है वो लग जाएगा, स्टिक हो जाएगा। इस तरह से करके कुछ अच्छा, बाज़ लोग यूँ भी करते हैं कि जो बैटर बच जाता है ना, जो मैरिनेशन का बैटर होता है उसके अंदर भी एक दफ़ा जो हमारे चिकन विंग्स हैं इनको डालते हैं ताकि उसका भी जो बैटर है वो ज़ाया ना जाए। आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं कि अभी जैसे मैंने मैदे में डाला फिर दोबारा आप उस बैटर में डालें जो बच गया आपके पास, और फिर दैन दोबारा लास्ट टाइम इसको मैदे के अंदर करके इसके क्रम्स बनाकर और फिर इसको फ्राइंग के लिए रख दें। यहाँ देखिए ये सारे अच्छे से हो चुके हैं और अब हमने फ्राइंग का टाइम आ गया है। फ्राइंग के लिए मैंने जो है तेल पहले ही गर्म कर लिया था और आंच को अब मैंने लो कर लिया है। ये देखिए इस तरह से बहुत ही मज़ेदार से जो हमारे क्रम्स हैं वो बन चुके हैं विंग्स के ऊपर, और अब बस हमने इनकी फ्राइंग करनी है। फ्राइंग के दौरान आंच कितनी लो होनी चाहिए वो भी मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए, आपके पास चिकन कच्चा ना रहे आपका अंदर से। ये देखिए इतनी सी आंच होनी चाहिए, जितनी मैं आपको दिखा रही हूँ ना इतनी आंच होनी चाहिए बस सिर्फ। अगर आप हाई आंच पे कुक करेंगे ना, फ्राई करेंगे इन्हें, तो आपके जो विंग्स हैं वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जो उसकी मैदे वाली कोटिंग है वो कुक हो जाएगी। हमने जो है इसकी कुकिंग टाइम रखना है 9 to 10 मिनट्स, ठीक है। और हल्के हाथ से जो है इसको आपने उतारना है, निकालना है। यहाँ हमने सारे विंग्स डालकर फ्राइंग के लिए रखे हुए हैं। अच्छा, पहले एक विंग फ्राई करने के बाद आपने टेस्ट कर लेना है कि आया आप लोगों के टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च ठीक है। अगर कोई चीज़ कम हो तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप बैटर के अंदर दोबारा डाल सकते हैं, नमक मिर्च डालकर दोबारा विंग्स डाल सकते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ देखिए ज़बरदस्त सी फ्राइंग हो रही थी, और जो ही फ्राइंग हो रही थी आप यकीन माने उसी टाइम लाइट चली गई। और मुझे इतना हुआ कि मैंने अभी लास्ट आप लोगों को लुक दिखानी थी तो फिर मैंने फ्लैश लाइट ऑन करके मैंने फिर आपके साथ ये देखिए लास्ट इसकी जो फाइनल लुक है वो शेयर की है। अब जो सेकंड रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ वो है जी पालक के पकौड़े, जो सबको बहुत पसंद होते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ मैंने ले लिया है एक बड़ा सा बोल जिसके अंदर हमने मिक्सचर रेडी करना है। इसमें हम ऐड कर रहे हैं जी एक मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज, रफली चॉप कर लिया मैंने, कोई नहीं इसको जो है जिस तरह बिल्कुल छोटा छोटा ज़रा पीसीज में कर लेते हैं ऑमलेट कट में, उस तरह नहीं किया। इसके अलावा यहाँ मैंने हरी मिर्चें ली हैं 5 से 6 मीडियम साइज़ की। और यहाँ देखिए जी ये मैंने पालक जो है हाफ़ बॉयल करके उसको फ्रीज़ किया हुआ है, क्योंकि अचानक से कोई आ जाता है, कोई गेस्ट आ जाए तो आप इसको इसका सालन भी बना सकते हैं, इसके पकोड़े बना सकते हैं। फ्रोज़न फॉर्म में ये रखा हुआ हो आपके पास फ्रीज़ किया हुआ तो बहुत बेनिफिट है इसके। या आपका अचानक से पकोड़े खाने का दिल चाह जाए तो आप फटाफट से बस ये पालक निकालें और क्विकली जिस रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ उस तरह आप बना लें। इसके अलावा हमने यहाँ पर नमक लिया है 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। बस ये 4 मसाले हैं जो हमने इसमें टोटली डालने हैं। अच्छा, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि नमक के अलावा आपने जितने मसाले पालक के पकौड़ों बनाते वक्त डालने हैं ना वो क्वांटिटी डबल करके डालनी है, क्योंकि पालक इटसेल्फ खुद भी जो है मसाले को अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इस चीज़ का आपने भी ख्याल रखना है। ये आपकी टिप है एक आपको दी है मैंने, ठीक है। अब इसको हमने कर लिया जी अच्छे से मिक्स सारे मिक्सचर को। अब हम करेंगे जी मिक्सचर देखिए तैयार हो गया। अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत, बस आपने इतना बेसन ऐड कर लेना है कि बस ये बाइंड हो जाए। एक्स्ट्रा ज़्यादा जिस तरह हम आलू के पकोड़े बनाते वक्त ज़्यादा बेसन ऐड करते हैं ना उतना ज़्यादा ऐड नहीं करना। यहाँ तकरीबन मैंने 2 कप बेसन सिर्फ ऐड किया और अच्छे से उसको जो है पहले छान लिया था, फिर उसके बाद जो है मैं भी बेसन ऐड कर रही हूँ। आपने ज़रूर उसको एक दफ़ा छानना ज़रूर है। बस अब इस बेसन को जो है हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो पालक है वो मेरे पास फ्रोज़न फॉर्म में थी तो इसीलिए इसमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, जिसकी वजह से ये मज़ीद और क्रिस्पी और इनका जायका और उभर के आया है सारी चीज़ों का। तो आप भी इस तरह से पालक फ्रोज़न फॉर्म में ये जो है वो रखा करें, वो यूज़ किया करें। उससे ये होता है कि आपको पकौड़े बनाते वक्त उनमें पानी ऐड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम पानी ऐड करते हैं ना मसाले के अंदर तो उसका फ्लेवर थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। अब यहाँ मैंने ऑयल ले लिया था, ऑयल मैंने गरम कर लिया है अच्छे से और फिर चूल्हे की जो फ्लेम है उसको लो कर दिया था। अब बस मैं स्पून के हेल्प से जो है आपकी मर्ज़ी आपने जिस साइज़ के पकोड़े बनाने, छोटे बड़े साइज़ के जिस साइज़ के भी, वो बस आपने इसमें डाल देने। मैं स्पून के हेल्प से डाल रही हूँ और 5 से 6 मिनट जो है मसाले को आपने छोड़ना ज़रूर है। जो आपने पालक पके पकौड़ों के लिए जो मसाला रेडी किया है ना उसको 4 से 5 मिनट आपने रेस्ट ज़रूर देना है। उससे ये होगा कि मसाला ज़रा अच्छा सा तैयार हो जाएगा पकौड़े फ्राई करने के लिए। बस अब ये हम स्पून के हेल्प से सारे पकौड़ों का जो मसाला है वो ऐड करेंगे ऑयल में। इस तरह से आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने जो है पकौड़ों को एंजॉय किया इस विंटर सीज़न में। ये देखिए जी, अब मैंने सारा ये डाल दिया और अब मैं इसको तब तक नहीं इसको छेड़ूंगी या हिलाऊंगी जब तक इसके नीचे जो है ये ब्राउन शेड ना आना शुरू हो जाए। बस अब वेट करते हैं 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट के बाद देखिए कितने ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है, गोल्डन गोल्डन, और बहुत मज़े के बने थे, रेडी हुए थे, बिल्कुल मसाले एग्जैक्ट टेस्ट था इनका। बस जी अब ये फ्राई हो रहे हैं, अब दूसरी साइड से फ्राई हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट बैच डाल के फ्राई कर लेंगे। और ये है जी हमारे पकौड़ों की फ़ाइनल लुक। इस तरह के कुछ टेस्ट इनका बहुत मज़े का आता है। आप इसको मेयोनीज़ के साथ, केचप के साथ, इसके अलावा योगर्ट के साथ सर्व कर सकते हैं। थर्ड रेसिपी का नाम है हमारी पोटैटो ट्विस्टेड समोसास। चलिए सबसे पहले हम मैदे की जो है डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने 2 कप जो है वो मैदा लिया है। मैदे को जो है हमने बहुत अच्छे से जो है फाइन, बहुत अच्छे से छानना है। जब आप इसको स्टेन कर लेंगे ना एक दफ़ा, तो उससे क्या होगा कि जो अगर इसमें कोई डस्ट पार्टिकल या कोई भी बड़ा पत्थर या कुछ भी इस तरह से है तो वो सारा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं नमक और ज़ीरा 1-1 टीस्पून, दोनों की क्वांटिटी हमने सेम रखनी है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो डो के अंदर जो है बनाते हुए टाइम जो 1 चुटकी जो चीनी का ऐड करते हैं। 1 चुटकी चीनी क्यों ऐड करते हैं? वो इसीलिए ऐड करते हैं ताकि डो में थोड़ी सी मिठास आ जाए। लेकिन क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया कि हम डिफरेंट तरीके से समोसास बना रहे हैं तो इसीलिए उसकी डो भी थोड़ी डिफरेंट है। 3 टेबल स्पून इसके अलावा हम यहाँ कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। जब हमारा सॉल्ट और ज़ीरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद हमने 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करना है यहाँ पर। बस अब हम इसको अच्छे से जो है हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले हल्के से स्पून से मिक्स करके फिर ऐसे जो है ना जैसे हम आटा गूंथते हैं, सेम उसी प्रोसीजर के ज़रिए हाथों की मदद से पहले ऑयल को बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। जब ऑयल बहुत अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए, बहुत अच्छे से जो है बाइंड हो जाए मैदे के साथ, तो तब आपने हस्ब ज़रूरत आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है पानी ऐड करते चले जाना है और डो को मिक्स करते चले जाना है। यहाँ पर आपने ना ही डो को ज़्यादा सख्त गूंदना है और ना ही ज़्यादा नरम गूंदना है, बिल्कुल ऐसे जैसे हम आटा गूंदते हैं ना तकरीबन उसी जैसे। ज़्यादा सख्त अगर आप आटा गूंद लेंगे, डो का गूंद लेंगे, तो फिर उससे क्या होगा कि आपके जो डो है वो बहुत सख्त रहेगी, उससे रोटी नहीं बन सकेगी, यानी जो हमने बेलना है तो वो बेलने नहीं जाएगी। और अगर नरम ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा कि हमारी फ्राइंग में प्रॉब्लम होगी या उसकी शेप बनाने में प्रॉब्लम होगी। अब हमने जो है डो को 10 से 15 मिनट तक के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है। अच्छा, रेस्ट पे छोड़ने देते टाइम अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि अभी हमारी डो जो है ऊपर से सख्त हो गई है या ऊपर से जो है वो खुश्क हो गई है, तो इसके लिए ये बेस्ट होता है कि आप कुकिंग ऑयल जो है उसकी डो के ऊपर लगा दें और साइड्स पर। इसको हमने 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख लिया। दूसरी तरफ हम आलू की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया घर में मौजूद इजीली जो चीज़ों से हम बनाएंगे समोसास, तो इसीलिए मैंने आलूओं का यूज़ किया है, ना मैंने चिकन का यूज़ किया है, ना मैंने बीफ का यूज़ किया है। आलू ऐड करेंगे। आलू ऐड करने के बाद हम यहाँ पर, हमारे पास ये ग्रीन चिलीज़ हैं, इनको मैंने छोटे छोटे पीसीस में क्रश किया हुआ है, ये मैं ऐड कर रही हूँ। इनसे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और मुंह में एक मज़ेदार सा घुल जाने वाला जायका आता है। इसके अलावा यहाँ धनिया हम ऐड कर रहे हैं, फ्रेश धनिया है जिसको मैंने छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिया है, जिससे एक बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आएगी। हमारे समोसास में बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, धनिया की फ्रेगरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा कुछ मसाले हैं जैसे ज़ीरा है, नमक है, लाल मिर्च का पाउडर है और धनिया पाउडर है, यानी ये 4 मसाले हैं जो हमने इसमें टोटली ऐड करने। यहाँ पर आप लाल मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं, इन केस आपको मज़ीद और स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें चाट मसाला ऐड कर सकते हैं 1 टेबल स्पून। बस अब हमने हाथों की मदद से इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मैश कर लेना है। अच्छा, यहाँ आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट करके वीडियो के बाद, देखने के बाद, कि आपको मेरी ये जो ट्विस्टेड समोसास हैं इनकी रेसिपी कैसी लगी है। अच्छे से हमने ये देखिए आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया है, अच्छे से हाथों की मदद से मसल लिया था और अब ये हमारे जो आलू की फिलिंग है वो देखिए कितनी क्विकली जो है वो रेडी हो गई है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसमें हमने सबसे पहले, मैं आपको ये देखिए 10 से 15 मिनट के बाद डो की दिखा रही हूँ कि डो कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है 10 से 15 मिनट रेस्ट की वजह से। जब आपने इसको 10 से 15 मिनट का रेस्ट देना है तो आपने इसको अच्छे से कवर करके रेस्ट देना है। ये नहीं करना कि खुला छोड़ देना, आपने कवर करना है इसको अच्छे से, कवर से ये कपड़े से कवर कर लें या फिर जो है हमें प्लास्टिक शीट्स होती हैं उनकी हेल्प से कवर कर लें। ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है, ये कह लें आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ देखिए अब मैंने जो है 2 रोटियाँ इस तरह इस शेप की जो है वो बेल ली थी, जो ना मोटी थी, ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फ़ाइन होनी चाहिए। और उसके ऊपर जो ये हमने आलू की फिलिंग तैयार की थी ना, अब ये मैं लगा रही हूँ। सही दबा दबा के आपने जो है वो आलू की फिलिंग इसमें लगानी है, क्योंकि जितनी अच्छे से आप प्रेस करके इसके ऊपर आलू की फिलिंग लगाएंगे ना, उतनी परफेक्टली जो है ये आपकी तैयार होगी बनकर। इसमें जो फिलिंग है उनका सही फ्लेवर आएगा। अब ये जो दूसरी रोटी है वो उसको आपने इस तरह से ये देखिए ऊपर रख के इस तरह कवर कर देना, जैसे हम आलू का पराठा बनाने के लिए 2 लेयर्स कवर करते हैं ना, बस उस तरह से आपने इसको कवर करना है। मैं आपको इजी एग्जांपल्स के ज़रिए इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था तो मुझे थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हुई थी कि मैं समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह से करूँ। काफ़ी प्रैक्टिस के बाद मेरी जो है ये चीज़ें परफेक्ट बनी और फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये मिस्टेक्स हैं जो कॉमनली मैंने की हैं, जिनको मैं आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ। अच्छा, दूसरी मिस्टेक मेरे से ये हो रही थी कि बार बार मेरी आलू की फिलिंग निकल रही थी कटिंग के दौरान। उसकी वजह ये थी कि मैंने साइड से अच्छे से कवर नहीं किया था जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको ट्राई किया था ट्विस्ट समोसास को। तो इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि साइड से अच्छे से ये ब्लॉक हो जाए, यानी दोनों लेयर्स आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएँ। बस ये ध्यान देखिए इस चीज़ तैयार हो चुकी है। अब हमें जो है एक छुरी की ज़रूरत है। आपने नाइफ़ की हेल्प से जो एक्स्ट्रा साइड की कटिंग्स हैं ना उनको कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से करके कुछ, यानी वो एक्स्ट्रा का मतलब वो है वो जगह जहाँ पर हमारी फिलिंग नहीं है, साइड पे थोड़ी थोड़ी सी जगह हमने फिलिंग नहीं रखी ना, ताकि हम इसको बंद कर सकें। यहाँ देखिए हमारा जो ज़बरदस्ती ये डो है ये परफेक्टली एक खूबसूरत लुक आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको लंबाई के रूप में कट करना है। अच्छा, कटिंग के दौरान आपने ना ही ज़्यादा बारीक स्ट्रिप्स कट करनी है और ना ही ज़्यादा मोटी स्ट्रिप्स कट करनी है, यानी नॉर्मल से साइज़ की स्ट्रिप्स कट करनी है। ये देखिए मैं अब आपको कट करके भी इसीलिए दिखा रही हूँ। ये बनाना इतने आसान है ना ट्विस्ट समोसास, लेकिन जो इनकी बनाने के बाद जो खूबसूरत सी लुक आती है ना वो मेहमानों को भी हैरान कर देती है। और आपके घर में बच्चे जो मौजूद हैं वो तो बहुत शौक से खाते हैं। इनका फ्लेवर बिल्कुल ऐसे आता है जैसे आप फ्राइज़ खा रहे हैं। जब आप फ्राइज़ खा रहे होते हैं ना, आपको जिस तरह का फ्लेवर आता है सेम वही फ्लेवर जो है वो डेवलप हो जाता है। और बच्चों को तो वैसे ही ये बहुत पसंद होते हैं। इफ्तार टाइम में बच्चे चाहते हैं कि हमें कुछ यूनिक सा मिले, तो उनके लिए फिर इस तरह की जो रेसिपीज़ हैं वो आप बनाकर घर पर ट्राई कर सकते हैं। आपको बाज़ार से भी अब कुछ लेने की फिर ज़रूरत नहीं रहती, या इनको आप फ्रीज़ करके रखते हैं इफ्तार स्पेशल के लिए। पहले से ही जो है ना, अगर आप फ्रीज़ करके रख देंगे वो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि रमज़ान में भी ज़्यादा हमसे हार्ड काम होते नहीं हैं। तो इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप इन ऐसी चीज़ों को बनाकर फ्रीज़ करके रखते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए मैंने सेंटर से इसको देखिए आपने देखा कि कट लगा दिया है। और अब हमारा जो फाइनल लुक की बारी आती है, ये एक जो है आपने इस तरह से उठाकर वो दूसरी स्ट्रिप के ऊपर इस तरह से डालना है। ये देखिए अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें हल्का सा जो है वो गैप है। ये देखिए इतना सा होना चाहिए, मतलब बिल्कुल ये नहीं हो कि कट हो जाए, बिल्कुल सेंटर से हल्का सा कट करना है आपने, डीप कट नहीं करना। उसके बाद ही हमारे पास जो आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं ना, इसकी मदद से सेंटर से ऐसे हल्का सा एक निशान बनाकर, निशान भी इतना डीप नहीं बनाना, बहुत हल्का सा। और फिर उसके बाद ऐसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी हाथों की हेल्प से, उंगलियों की मदद से आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको इस तरह ट्विस्ट करना है। अच्छा, ट्विस्टिंग के दौरान आपको ये लगेगा कि पता नहीं हमारे ये ट्विस्ट ख़राब हो गया है, या फिर ये लगेगा आपको कि फिलिंग बाहर निकल रही है, ख़राब हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक कॉमन सा सबका प्रोसेस है। इसी प्रोसेस के थ्रू हमारे जो ट्विस्ट समोसाज हैं वो रेडी होते हैं। इसी तरह मैं आपको एक और भी जो है बनाकर दिखा रही हूँ ताकि आपको मज़ीद चीज़ क्लियर हो जाए। ये देखिए एक को इस तरह से दूसरी लेयर के ऊपर रखा, इस तरह से करके, फिर उसके बाद आइसक्रीम स्टिक से इस तरह से ये देखिए प्रेस करेंगे। ये मैंने देखिए प्रेस किया हल्का सा। आइसक्रीम स्टिक ले लें आप, या आपके घर कोई अगर आइसक्रीम स्टिक नहीं पड़ी हुई तो स्पून की जो एंड कॉर्नर्स होते हैं ना उनकी हेल्प से आप निशान लगा लें। और फिर इस तरह से इसको आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों से जो है वो ट्विस्ट करते चले जाएं। जितने अच्छे परफेक्ट आपके ट्विस्ट बनेंगे ना, उतने ही अच्छी आपकी इसकी फ्राइंग होने के बाद की लुक आएगी। साथ ही जब आप ये ट्विस्ट बना रहे हो तो साथ साथ आप ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दें, सो दैट के फ्राइंग आप साथ के साथ करते चले जाएं। नहीं करना चाहते उस टाइम फ्राई, फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप जिप लॉक बैग के अंदर इसको रख कर फ्रीज़ कर सकते हैं। ज़िपलॉक बैग का बेनिफिट फिर यही हो जाता है कि आपका जो है चीज़ें ज़्यादा स्पेस कम घेरती है फ्रिज में। ये देखिए कितना खूबसूरत सा सुनहरा कलर जो है हमारे ट्विस्ट समोसास पर आ गया और आपको इसके ट्विस्टेड नज़र आ रहे होंगे अब फ्राइंग के बाद। ये देखिए कुछ इस तरह की इसकी ये लुक आती है, हम हैरान हो जाते हैं लुक देख के कि ये कैसे आ गई है, तो इतनी मुश्किल थी। लेकिन देखा आपने रेसिपी, अगर आपने पूरी देखी होगी तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितनी आसान रेसिपी है और कितने आसानी से ये ट्विस्ट बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए बहुत ही ये क्रंची से होते हैं, इसमें फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ रहा होता है पोटैटोज़ का। और इसके अलावा अगर कुछ बच्चे जैसे आलू खाना नहीं पसंद करते तो उनके लिए आप चिकन की फिलिंग तैयार कर दें, मतलब आलू और चिकन मिक्स करके तैयार कर दें। इसमें आप और कोई वेजिटेबल भी इसकी फिलिंग में रेडी करके तैयार करके ऐड कर सकते हैं। फोर्थ जो रेसिपी है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है और ये है जी कबाब की रेसिपी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ मैंने चिकन ले लिया है, ये बोनलेस मेरे पास चिकन है और ये देखिए इस तरह से इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए थे। ये देखिए ये चिकन हमने जो है सबसे पहले मैरिनेट करना है, इसीलिए हमने इसको एक अलग से बोल के अंदर डाल दिया है। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लें आप चिकन के, ताकि इजीली जो है आपका चिकन अच्छा सा मैरिनेट हो जाए, यानी चिकन के पीसेस के अंदर अच्छे से मसाले चले जाएँ। इसके अंदर सबसे पहले हस्ब ज़रूरत हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैंने जो है 2 टेबलस्पून ऐड किया है ताकि इसमें जो है अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। कुछ मसाले ऐड करेंगे जिनमें है चिली फ्लेक्स, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च का पाउडर और ज़ीरा। ये कुछ मसाले हैं जो हमने जो है चिकन की मैरिनेशन में ऐड करने हैं। अच्छा, चिकन की मैरिनेशन में जितने मसाले ऐड करने हैं हमने ये सोच के ऐड करना है कि जो है हमने आगे जो भी इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं बाइंडिंग के लिए उसमें हमने और कुछ नहीं डालना। यहाँ चिली सॉस ऐड किया है 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून जो है हमने सोया सॉस ऐड किया है। ये सारे जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंग्रेडिएंट, ये स्किप नहीं करने आपने। साथ ही सिरका ऐड कर दिया मैंने 2 टेबलस्पून, यानी विनेगर हस्बे ज़रूरत आप जो है विनेगर कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ताकि इसमें जो है अगर आप खटास ज़्यादा चाहते हैं या मसाले स्पाइसी ज़्यादा चाहते हैं तो आप लाल मिर्च का पाउडर इंक्रीज़ कर सकते हैं उसकी क्वांटिटी। बस अब हाथ की मदद से अच्छे से जो है चिकन को मिक्स कर लेंगे इस तरह से, ताकि जो मसाले हैं वो सारे अच्छे से मिक्स हो जाएँ। मिक्सिंग के बाद अब हमने इसको जो है ओवरनाइट के लिए मैरिनेट होकर कवर करके छोड़ देना है। ओवरनाइट से ये होगा कि जो आपके चिकन है उसके अंदर अच्छे से मसाले भी मिक्स हो जाएंगे और मैरिनेशन भी बहुत अच्छी सी रेडी हो जाएगी। चलिए अब हम इसको कवर करके ओवरनाइट के लिए छोड़ देते हैं, फिर ओवरनाइट के बाद आपको इसकी लुक दिखाते हैं। यहाँ देखिए सुबह हो चुकी थी और फिर मैंने इसमें जो है इस चिकन इसमें से कुछ चिकन निकाल के रख दिया था। आधा चिकन हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह, जब भी हम मैकरोनी की कोई रेसिपी बनाएंगे तो उसमें वो चिकन आप यूज़ कर लें। और आधा चिकन मैंने यहाँ पर यूज़ किया है बाकी कबाब्स बनाने के लिए। सबसे पहले इसमें मैंने एक प्याज बड़ी साइज़ की डाल दी है रफली कट करके ही मैंने इसके अंदर ये बड़ी जो मोटी मिर्चें होती हैं ये ऐड किए हैं 2 से 3। इनसे जो है असल में बहुत अच्छा हरी मिर्चों से, बड़ी हरी मिर्चों जो मोटी होती हैं उनसे अच्छा फ्लेवर आ जाता है, यानी इसमें ज़्यादा जो है करारापन नहीं होता, या ये कह लें कि इसमें जो मिर्च होती है उसका फ्लेवर ज़्यादा नहीं होता, इसमें सिर्फ क्रंचीनेस आती है इससे। ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त सा बाइंडिंग इंग्रेडिएंट जो कि है जी ब्रेड, वो ऐड करेंगे। अच्छा, ब्रेड का ये है कि अगर आप ब्रेड इसमें ऐड करते हैं तो आपको किसी और बाइंडिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं रहती, सिर्फ आप ब्रेड तो हर किसी के घर में अवेलेबल होती है। बस आपने इसको हल्का सा पानी के अंदर सोक करना है और फिर उसके बाद इस तरह से हाथों की मदद से इसमें से एक्सेस जितना भी पानी है वो रिमूव कर देना और आपकी ब्रेड इस तरह से आ जाएगी, इस फॉर्म में आ जाएगी। मैंने यहाँ 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में कबाब्स बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ज़्यादा जो है ब्रेड की क्वांटिटी ज़्यादा करते हैं। और याद रखिए आपने मिल्की ब्रेड नहीं इसमें यूज़ करनी, यानी आपने जो है मीठी वाली ब्रेड यूज़ नहीं करनी, आपने जो प्लेन ब्रेड होती है जिसमें जो है फ्लेवर्स नहीं होते या सिर्फ नमकीन जिसे ब्रेड कहते हैं वो ऐड करनी है इसमें। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लूँगी। ये देखिए मैंने अच्छे से सारी चीज़ों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से चॉप कर लिया है। चॉपिंग के बाद सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और फिर हम इसके अंदर ये दाल का जो मिक्सचर है ये रेडी किया हुआ ये मैं ऐड करूँगी। अच्छा, मैं बता देती हूँ ये मैंने क्या किया हुआ है कि दाल को हरी प्याज और हरी मिर्चें और नमक इन चीज़ों को डालकर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से दाल को बॉयल कर लिया था। जो दाल है ना, यूँ समझ लें कि हर तरह के कबाब, चाहे आप आलू के कबाब बना रहे हैं, चाहे कीमे के कबाब बना रहे हैं, आप दाल ज़रूर ऐड किया करें। दाल से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसको एक बड़े से बोल के अंदर डाल देंगे और ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था बड़े बोल में, इसलिए क्योंकि वो बोल छोटा पड़ गया था इसके हिसाब से। अब हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लें आप ऑयल की मदद से, और फिर उसके बाद आप इसके कबाब बना लें। इतने ज़बरदस्त से कबाब बनकर रेडी होंगे। यानी आपने देखा कि इसमें हमने इतने कोई भी जो है एक्स्ट्रा मसाले ऐड नहीं किया। आपकी मर्ज़ी हो तो आप इसमें जो है आलू भी ऐड कर सकते हैं। अब इन कबाब्स को चाहे आप सर्व करें राइस के साथ, चाहे आप इसको सहरी में पराठा के साथ सर्व करें, चाहे आप इसको इफ्तार में सर्व करें दही के साथ या किसी रायते के साथ, तो बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। यहाँ मैंने अंडा फेंट लिया था और अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। अंडे के अंदर डिप करेंगे और फ्राई कर लेंगे, बस सिर्फ जल्दी से इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, तवे पर हम फ्राई कर रहे हैं, नॉन स्टिक का ये तवा है और ऑयल हमने बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है, बहुत ही बस इतना कि हमारे जो कबाब हैं वो फ्राई हो जाएं, ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना। और इस तरह से जो है देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आना शुरू हो चुका है हमारे कबाब के ऊपर, ये देखिए जी। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ कबाब की। बहुत मज़ेदार से फ्लेवरफुल से जो हमारे कबाब हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। 5th रेसिपी का हमारे नाम है जी चिकन चिली बाइट्स, या जिन्हें हम पेरी पेरी बाइट्स भी कहते हैं। सबसे पहले बारी आती है कुछ चीज़ें मिक्स करने की, जिनमें हमारे पास सबसे पहले चिकन है। यहाँ मेरे पास बोनलेस चिकन मौजूद है 1 कप। आपने जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा आपने कर लेना है चिकन की क्वांटिटी को। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे मैंने इसके क्यूब्स कट कर लिए हैं। आप चाहें तो इसकी जगह जो है चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है। साथ ही 3 चम्मच मैंने लिए हैं जी यहाँ पर दही के। अच्छा थिक दही आपने यूज़ करना है, अच्छे से जो जमा हुआ हो। इसके अलावा जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। इससे बहुत अच्छा जो है टेक्सचर आ जाएगा चिकन में सब को। इसके अलावा कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ, जिनमें नमक है, लाल मिर्च का पाउडर, ज़ीरा, हल्दी और चिली फ्लेक्स। ये कुछ मसाले हैं जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। आपने जो है चिली फ्लेक्स और लाल मिर्च का पाउडर जो है उसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेनी है। यानी अगर आपको बहुत ज़्यादा शार्प फ्लेवर चाहिए तो आपने इसमें ज़्यादा डाल देना है। इसके अलावा यहाँ पर 1 चाय का चम्मच जो है मैं ऐड कर रही हूँ लेमन जूस का। फ्रेश लेमन जो है मैंने स्क्वीज़ करके इसमें ऐड कर दिया है और इसको हम अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ आप देखिए कि अब मैंने दही सिर्फ इतना ऐड किया है कि जितने में हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। यानी ज़्यादा दही नहीं ऐड की, क्वांटिटी थोड़ी रखी है दही की। और ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा जो है हमारी मिक्सिंग हो चुकी है। और यहाँ ये लुक देखिए कितने मज़ेदार चिकन की लुक आ चुकी है। अच्छा, यहाँ हमें कोई मैरिनेशन टाइम की ज़रूरत नहीं है, यानी इसमें आपको कोई मैरिनेट करके रखने की इसको ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट आपने इसको कुक कर लेना है। इस तरह से ये कुछ हमारे जो है चिकन की लुक आ चुकी है। अब इस पॉइंट पर आप इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप मज़ीद और शार्प फ्लेवर चाहते हैं। यहाँ मैंने पैन ले लिया है, पैन के अंदर हम ऐड कर रहे हैं जी ऑयल ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून। सिर्फ इतना कि हमें सिर्फ चिकन जो है अच्छे से सौते कर लेना है, उसको अच्छे से टेंडर कर लेना है। और अब हम इसमें मैरिनेटेड जो हमारा चिकन है वो ऐड कर रहे हैं, जो हमने मिक्स करके रखा था ना मैरिनेशन टाइम के बगैर, वो वाला चिकन ऐड करते हैं हम इसके अंदर। आपने जो है इस पॉइंट पर आंच को मीडियम टू लो रखना है, ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से जो है टेंडर हो सके, अच्छे से डन हो सके। हमें इसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी चिकन में और जो दही है उसमें ऑलरेडी पानी मौजूद होता है, तो इसीलिए हमें इसको टेंडर करने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहती। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा जो है हमारा अब चिकन जो है वो टेंडर हो जाएगा। और फिर हम इसके बाद जो है नेक्स्ट इसमें फिलिंग करेंगे। फिलिंग भी कैसे करेंगे वो टेक्निक भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत आसान तरीका है फिलिंग करने का। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि फिलिंग के लिए जो आप हरी मिर्चें लें वो मोटी मिर्च हो, और दूसरा ये कि मोटी मिर्च तो होना ज़रूरी है, लेकिन उसमें जो है कड़वाहट ना हो। यहाँ हमारा चिकन तैयार हो चुका था 10 से 15 मिनट के अंदर, और इसमें हमने धनिया और पुदीने की गार्निशिंग कर दी है। ये देखिए ये हमारे पास चिकन मौजूद है जो हमने कुक कर लिया है। इसके अलावा यहाँ ये ब्रेड क्रम्स मौजूद हैं। ब्रेड क्रम्स आपने हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करने हैं, जितने आपको चाहिए होंगे। ये हमारे पास ये हरी मिर्चें मोटी वाली, इस तरह से ये देखिए ये देखें, ये मैंने हरी मिर्चें मतलब ले ली हैं और नॉर्मल से साइज़ की ली हैं, ना ज़्यादा बड़ी हैं ना ज़्यादा छोटी हैं। और एंड पर हम ये जी मैदे की एक स्लरी हमने तैयार किया है, मतलब थोड़ा सा मैदा लेकर उसमें पानी डालकर उसको मिक्स कर लिया है। ज़्यादा थिक आपकी जो है नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा वो लिक्विड हो, नॉर्मल सी जो है उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम चलते हैं जी इसकी मिक्सिंग की तरफ के हमने किस तरह से चीज़ों को अप्लाई करना है। सबसे पहले ये देखिए मैंने ये वाली हरी मिर्च ले ली है, इसको सेंटर से जो है नाइफ़ की हेल्प से कट कर लेना है इस तरह से कुछ। और इसमें जो भी ये बीज वगैरह है ना, ये आपको मैं दिखा रही हूँ, ये सारे आपने फिंगर की हेल्प से जो है रिमूव कर लेने हैं। अच्छा यहाँ एक बात मैं आपको बताती चलूँ, कुछ लोग कहते हैं कि हमें जो है फिंगर से करते हुए हमारी उंगलियों में जलन हो रही है, ये ऐसा भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आपने उसके लिए क्या करना है, आप स्पून से कर लें। उसके बाद आपने जो है इसके अंदर ये चिकन की फिलिंग करनी है, ये देखिए इस तरह से। अच्छा आप चिकन के साथ वेजिटेबल की फिलिंग भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए एक ऑप्शनल चीज़ है कि आप इसके साथ थोड़ी सी वेजिटेबल सौते करके वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है चिकन की फिलिंग पसंद की जाती है तो इसीलिए मैं ये चिकन की फिलिंग बना रही हूँ। इस रेसिपी को आप ज़्यादातर इफ्तार पार्टीज़ में भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त सी फैंसी सी ये रेसिपी है, बनकर बहुत ईजीली रेडी होती है। यहाँ फिलिंग हमारी डन हो चुकी है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये जो हमारे पास मैदे की स्लरी है इसके अंदर जो है हमारे हरी मिर्चों को डिप कर लेना है। जो हमारे पास हरी मिर्चें रेडी हुई हैं को फिलिंग के साथ इस तरह से हल्की हल्की बस इसके ऊपर कोट एक हल्का सा कर लेना है। बस ये हमारी कोटिंग हो गई इसकी। और इसके बाद आपने इसके ऊपर ये ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। अच्छा ब्रेड क्रम्स जो हैं आपने अच्छे से लगाने हैं ताकि जो ऊपर की क्रंचीनेस है वो इजीली आपके मुंह में आके घुल सके। ये देखिए जी हमारी हरी मिर्च जो है बिल्कुल ज़बरदस्ती रेडी हो गई है। अब आपने जो है सारी हरी मिर्चों को जिनको आपने रखा था इनको आपने फ्रिज में जो है स्टील की प्लेट में रख कर फ्रिज में रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से जो है स्टिक हो जाए ब्रेड क्रम्स। ये सबसे बेस्ट टेक्निक होती है कि आप हरी मिर्चों को इस तरह से जो है बाइंड करके थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दें। अब यहाँ मैंने ऑयल गरम कर लिया था। ऑयल गरम करने के बाद आपने आंच को बिल्कुल लो कर लेना है, क्योंकि इससे अगर आप हाई आंच पे बनाएंगे तो आपके ब्रेड क्रम्स की जो ऊपर की कोटिंग है वो जल जाएगी, और अगर कोटिंग जल जाए तो फिर उसमें जो है ज़रा भी फ्लेवर नहीं आता। यहाँ ये देखिए हमारी हरी मिर्चें कितनी ज़बरदस्ती जो है वो फिल्ड रेडी हो चुकी हैं। कितनी क्रंची, इतना फ्लेवर इनका अच्छा आता है, बहुत मुंह में घुल जाने वाला फ्लेवर है। ऊपर से क्रंची हैं, अंदर से जो इनकी चिकन की फीलिंग है वो बहुत जूसी जूसी सी फीलिंग है, क्योंकि उसमें हमने दही और बहुत मज़ेदार से इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हुए हैं। लास्ट और सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाले बच्चों की रेसिपी है ब्रेड पोटैटो स्टिक्स। तो चलिए जी सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जी ब्रेड को सोक करना है पानी के अंदर। यहाँ मैंने पानी ले लिया है 1 कप, बोल के अंदर डाल दिया था। और इसके अलावा मैंने यहाँ 3 स्लाइसेस लिए हैं। अब ये देख लें मैंने मिल्की ब्रेड नहीं ली, मैंने प्लेन ब्रेड ली है जिसमें मिठास नहीं होती। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि जो मिल्की ब्रेड होती है वो बहुत ज़्यादा जो है ये कह लें कि नाजुक सी होती है, फ़ौरन टूट फूट जाती है, ख़राब हो जाती है। यहाँ देखिए मैं इसको सोक कर रही हूँ 5 से 6 सेकंड या 10 सेकंड तक आप इसको सोक करें, और फिर उसके बाद इस तरह से इसको निचोड़ लें। निचोड़ने का मतलब ये है कि आपने इसमें से सारा जो एक्सेस पानी है वो सारा रिमूव कर देना है। ठीक है जी, यहाँ देखिए मैंने सारा जितना भी पानी है वो अच्छे से जो है इसका रिमूव कर दिया है, और इस तरह से ये देखिए इस ब्रेड की लुक आ गई है। इस तरह मैं तीनों ब्रेड्स को कर लूँगी और अलग इसको साइड पर रख दूँगी। अब बारी आती है जी स्टिक्स के जो कबाब हैं उनके मिक्सचर रेडी करने की। मिक्सचर रेडी करने के लिए यहाँ मैंने ये बोल ले लिया है और बोल के अंदर हमने इसका मिक्सचर रेडी करना है। सबसे पहले यहाँ मैंने जो 6 आलू हैं वो बॉईल कर लिए थे, मीडियम साइज़ के हैं ये, मतलब ये नहीं है कि लार्ज साइज़ के, मीडियम साइज़ के आपने आलू ले लेने हैं। इनको अच्छे से बॉईल कर लेना है। फिर उसके बाद जो आपने ब्रेड वो सोक करके रखी थी ना पहले, और उसमें से पानी रिमूव किया था, वो ऐड करनी है। यहाँ मैं ये देखिए 6 मीडियम साइज़ के आलू के लिए मैंने 3 ब्रेड लिए हैं। इसी हिसाब से अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो इंक्रीज़ कर देनी है क्वांटिटी। यहाँ देखिए अब मैं प्याज भी ऐड कर रही हूँ, एक मीडियम साइज़ की स्मॉल साइज़ की रफली छोटे छोटे पीसेस में कट की हुई प्याज ऐड की है मैंने इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ कुछ हरी चीज़ें हैं जैसे धनिया है, पुदीना है और हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अच्छा, मैं इस रेसिपी को इसलिए शेयर कर रही थी क्योंकि इसके अंदर जो स्पाइसेस है ना वो कम है। रमज़ान में हमें जो है ज़्यादा तेज़ स्पाइसेस नहीं खाने चाहिए, इसीलिए मैंने इसमें स्पाइसेस भी कम रखे हैं। कुटा हुआ ज़ीरा है, चाट मसाला है, काली मिर्च का पाउडर है, नमक है और साथ ही चिली फ्लेक्स है। बस ये जो है मसाले हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। अब जो मसाले मैं इसमें ऐड करी हूँ और लाइट से हैं, यानी इतने ज़्यादा मैंने क्वांटिटी में भी ज़्यादा मसाले नहीं ऐड किए, थोड़े थोड़े मसाले ऐड किए बस। अब इन सब चीज़ों को हमने जो है सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर मिक्स होने के बाद की जो लुक आएगी इसकी वो मैं आपके साथ अब शेयर करूँगी। यहाँ देखिए मैंने जितने भी सारी चीज़ें थी वो सारी अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर देखिए कुकिंग ऑयल ले लिया है 2 to 3 टेबलस्पून। और कुकिंग ऑयल लेना क्यों था, क्योंकि हमने इससे हाथों को ग्रीस कर लेना है अच्छे से। सबसे पहले ग्रीस कर लें हाथों को अच्छे से, फिर उसके बाद हमने जो है यहाँ पर स्टिक्स, हमारे पास ये देखिए आइसक्रीम स्टिक्स अवेलेबल होती हैं, हर घर में होती हैं, नहीं है तो आप कहीं से भी किसी भी स्टोर से इजीली अवेलेबल होती हैं आपको, आप ये यूज़ कर सकते हैं आइसक्रीम स्टिक्स को। आइसक्रीम स्टिक्स ले लेनी है और बस ये हमारे पास जो मिक्सचर है इस ये 3 चीज़ें बस आपको चाहिए होंगी। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पर जो है बॉयल्ड चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ सिर्फ पटैटो को यूज़ करते हुए आपको स्नैक्स बनाना सिखाए हैं। अब हस्बे ज़रूरत इतना मिक्सचर आपको चाहिए उतना मिक्सचर आपने ले लेना है। और ये देखिए इस तरह से एक बॉल बनाने के बाद इसके स्टिक जो है उसके अंदर डाल देनी है और हल्के हल्के हाथों से जो है ना इसको नीचे की तरफ प्रेस करना है। जहाँ से आपको लगे कि मिक्सचर थोड़ा सा कम है तो आप इसमें उसी पॉइंट पर ऐड भी कर सकते हैं और मिक्सचर। अब जैसे ये देखिए यहाँ से ब्रेक हो रहा था तो दोबारा से इसको ऐसे रखें और प्रेस कर लें। ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप एक मज़ेदार से बच्चों को इफ्तार में स्नैक्स बनाकर दे सकते हैं और वो लोग खुश होकर भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। इस तरह से हल्के हल्के हाथ से आपने इसको करना है। देखिए कितने ज़बरदस्त से जो है इस तरह से करते हुए हल्के हल्के हाथ से प्रेस करते हुए हमारी जो स्टिक्स हैं वो तैयार हो जाएंगी। और जब ये सारी तैयार हो जाएं तो आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको फ्राई करना चाहें तो फ्राई कर लें, अदरवाइज़ आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। और किस चीज़ में फ्रीज़ करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, अभी दिखाऊँगी कि बल्कि कि किस चीज़ में आपने इस चीज़ को फ्रीज़ करना है। यहाँ देखिए हमारे जो पोटैटो स्टिक्स हैं वो बिल्कुल ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी हैं। मैंने सारी पोटैटो स्टिक्स फ्रीज़ कर दी थी और जो रिमेनिंग कुछ 2-3 जो थी वो मैंने निकाल ली थी आप लोगों के लिए, ताकि मैं जो है इसको आपको फ्राई करके भी दिखा सकूं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ देखिए ये मेरे पास ज़िप लॉक बैग्स हैं। अच्छा, आप लोगों ने भी रमज़ान में जो ज़िप लॉक बैग्स यूज़ करने हैं वो इस तरह के ज़िपर्स उन पे लगे हुए हों तो वो वाले ज़िप लॉक बैग यूज़ करें। इसका बेनिफिट ये होता है कि जो आपकी चीज़ें हैं वो बहुत इजीली जो है सेव हो जाती हैं अक्सर, वरना ज़िपर्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अब ये देखिए हमारी स्टिक्स जो हैं वो तैयार हैं। अब आपने सिंपली क्या करना है, अंडा अच्छे से लेकर एक फेंट लेना है अच्छे से उसको और उसमें हल्का हल्का इसको डिप करना है स्टिक्स को और देन इसको फ्राई कर लेना है। यहाँ देखिए मैंने जो है जब हमारा ऑयल गर्म हो गया तो मैंने आंच लो करके इसको फ्राई करने के लिए छोड़ दिया है। और अंडा वही मैंने आपको जिस तरह बताया था कि इसके ऊपर लगा लेना है, कोट कर लेना अंडे का एक ना। और देखिए कितना खूबसूरत और कितना ज़बरदस्त सा जो है कलर आ चुका है। कोई भी ये देख के नहीं कह सकता कि इसमें आपने पटैटोज़ डाले हैं। फ्लेवर भी बहुत अच्छा होगा इसका, इंशाल्लाह देखिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इफ्तार पार्टी में भी आप इसको बनाकर सर्व कर सकते हैं क्योंकि ये एक यूनिक सी रेसिपी है। तो इस तरह से ये देखिए मज़ेदार से हमारे स्नैक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाली वीडियोस भी आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार होने वाली हैं। अल्लाह हाफिज़।